सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अजकल कैनेडा का दौर चल रहा है, हर कोई बंदा जरा वा कैनेडा जाण दा सपना सजा के बैठा है। कैनेडा अज दी डेट दे विच स्टूडेंट्स दी पहली चॉइस बन गई है। कोई टाइम सी जदों यूके वल नूं ज़्यादा झुकाव सी, फिर आस्ट्रेलिया वल नूं ज़्यादा झुकाव हो गया, एंड हुण अज दी डेट दे विच कैनेडा वल नूं ज़्यादा झुकाव हो गया। सो कोई भी स्टूडेंट, किसी भी प्रोफाइल का स्टूडेंट, इस वेले हर कोई, हर किसी के मुँह ते, हर किसी की जुबान ते एक ही नाम है कि भाई असी कैनेडा नूं अपने केस लगा करके देखना है। चाहे वह ब्याह है, चाहे वह सिंगल है, कि जी पांच बैंड ने, साढ़े ने, साढ़े पांच बैंड ने, या छे ने, ग्रैजुएट है, प्लस टू है, एक बार जी कैनेडा का केस लगाना जी। सो कैनेडा का क्यों? क्योंकि जी कैनेडा के रूल्स बहुत ज़्यादा इस वेले लीनियंट ने, सॉफ्ट ने, स्टूडेंट्स के पक्ष की वलते है कंपैरेटिवली टू बाकी जिहड़ियां कंट्रीज़ है, कंपैरेटिवली टू बाकी कंट्रीज़। कैनेडा दे विच स्टूडेंट्स नू एक सिंपल जिहा लॉजिक है, काफ़ी स्टूडेंट्स नाल भी गल हुई, मैं कहा यार कैनेडा ही क्यों, आस्ट्रेलिया क्यों नहीं, यूके क्यों नहीं? कहिंदा भाजी बड़ी सिंपल है, साल दा काम करना है, साल दी पढ़ाई करनी है, साल दा वर्क परमिट मिल जाना, दो साल दा पढ़ाई करनी है, दो साल दा वर्क परमिट मिल जाना, तीन साल दी पढ़ाई करनी, तीन साल दा वर्क परमिट मिल जाना, पैसे कमाण दे विच कोई दिक्कत नहीं होनी, पढ़ाई कोई ज़्यादा औखी नहीं होनी, एंड डिप्लोमा है या डिग्री है, मतलब वह पता कि भी इन्नी देर का कोर्स करना, इन्नी देर का वर्क परमिट मिलना ही मिलना। सो उस कोई भी कानून या कल गाइडलाइनस चेंज हो जाए या कल जो कोई अनाउंसमेंट हो जाए, पता कि अज जेकर असी अज साडा वीज़ा लगा, अज जो रूल है सानू वो लागू होने हैं। पी आर कहते जी साडे रिश्तेदार है जी, साडे दोस्त है जी, उत्ते पता लगता है कि भी चार चार पाँच पाँच साल के असी पक्के हो सकते हैं। सो जिस करके वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ने, एंड एक्चुअल जेकर मैं पॉलिसीज़ दियाँ गल्लां करना तो 2019 तक मेरा ख्याल है कि भाई कैनेडा नूं स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वह भी कहते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे आन, बिल्कुल सानू अनपढ़ नहीं चाहिए, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स आन, जिस करके स्टूडेंट्स नूं पढ़े लिखे लोग आन कि भी जिन्हों असी स्टूडेंट्स का नाम दें, जिन्होंने बारहवीं की है, ग्रैजुएशन की है, आयल्स की है, कि इंग्लिश के मूँह मत्थे लगते हैं। सो आ करके साढ़े तो बोझ ना बन, अपनी पढ़ाई करन, ऑफकोर्स तुसी पैसा खर्च के जाना, एंड उहदे बाद चो अपनियां कमाइयां करन। सो कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं हैगी। सो मेरे हुणे रीसेंटली आस्ट्रेलिया गया सी, एंड पिछों टीम ने जिहड़ा सारा काम किया, सो टीम कोल काफ़ी सारे क्वेश्चनस पए ने फेसबुक के जरिए, स्टूडेंट्स ने ऑफिस के विजिट्स के जरिए कन्फ्यूजनस ने बहुत सारिया स्टूडेंट्स दियाँ कि जी असी किहड़ी कैटेगरी च अप्लाई करिए, कोर्स का किन्ना क रोल हुंदा है, होर बथेरे क्वेश्चनस है, पी आर कदों मिल जाती है, वर्क परमिट कदों मिल जाता है, उत्थे की सपोर्ट मिलती है, जेकर उत्थे रिश्तेदार नहीं सामने वाला गा तो असी अगे की करिए, कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वालों सानू उत्थे अकोमोडेशन प्रोवाइड होंगी है नहीं होंगी। सो इस तरीके के काफ़ी जिहड़े हैगे आ क्वेश्चनस हैगे ने वो टीम ने इकट्ठे किए हुए ने, जिहड़े कि हुणे पुछणगे तो मैं सारयां दे वो जिहड़ा मैं वार वारी जवाब देने की कोशिश करांगा। सर जिवें कि साडे कोल काफ़ी स्टूडेंट्स आए, उन्होंने पूछा कि जे मैं एक वन और मोर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हाँ, इज इट पॉसीबल कि जे मेरी रिफ्यूजल लगी है तो उस तो बाद मैं दोबारा उही यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है या दोबारा कोई होर यूनिवर्सिटी अप्लाई करा या कॉलेज अप्लाई कर सकता? रिफ्यूजल दे बहुत सारे पहले चीज़ तो दसांगा कारण होंगे ने कि तुहाडा केस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो, रिजेक्शन तो बाद कि कैनेडा के वीज़े लगते नहीं लगते हैं, ये बहुत वड्डा सवाल है। स्टूडेंट जिहड़ा भी अज अप्लाई कर रहा है, पहली चीज़ वो देखेगी भी उन्हें जिहड़े इत्थे कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़े गए ने, अब उहदी जिहड़ी अकैडमिक क्वालिफिकेशन है, जो उन्हें इत्थे पढ़ाई की है उहदे नाल रेलेवेंट प्रोग्रेशन दे विच उन्हें उत्थे कोर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पहली चीज़ है। किसी भी काउंसलर या किसी भी एजेंट दे गल्लां च आ करके तुसीं अप्लाई कर दिंदे हो, तुहाडा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट होने तो बाद तुहानूं पता लग जाता कि भी मेरी कोर्स सिलेक्शन गलत होगी है, दोबारा फिर इमीडिएटली अप्लाई कर दो अपनी वो वाली गलती ने सुधार करके। तुसी कॉलेज अप्लाई कर रहे हो, तुसी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो, उस चीज़ के नाल फर्क नहीं पैंदा, तुहाडी प्रोफाइल कित्थों वास्ते सूटेबल है उस चीज़ के उत्ते फर्क पैंदा। सो तुहाडे जेकर फॉर एग्जाम्पल पांच बैंड गए ने, राइट, तुसी कहिंदे जी मैं हुण उस कैटेगरी दे विच अप्लाई करना जिथे SPP स्टूडेंट्स, SPP कैटेगरी दे कॉलेजेस या जिहड़े स्टूडेंट्स दे 6 बैंड नॉट लैस दैन 5.5 इन ईच क्राइटीरिया है, मैं उस लीग दे विच रह करके अप्लाई करना। ऑफकोर्स जनरल कैटेगरी दे विच अप्लाई करोगे बट वो तवज्जो नहीं मिलनी, यूनिवर्सिटी दे विच अप्लाई करते हैं, बैचलर डिग्री वास्ते अप्लाई करते हैं, पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा लीडिंग टू द मास्टर डिग्री वास्ते अप्लाई करते हैं, उस चीज़ नूं लै करके बहुत ज़्यादा वेटेज मिलेगी। सो अपनी प्रोफाइल दे अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिलेक्ट करो,
अपना कोर्स जो इतने प्रीवियसली पढ़िया उसके नाल रिलेटेड कोर्स सिलेक्ट करो। लास्ट चीज़ तुहाडी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, चार चार बार रिफ्यूज़ होने तो बाद भी स्टूडेंट्स के वीज़े लगते देखे। सो जेकर कैनेडा च एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है ओली मायूस होने की लोड़ नहीं, इमीडिएटली दोबारा एप्लीकेशन अप्लाई करो। सो उहदे विच कोई भी अपना जिदा कह लो कि यह सोचने की लोड़ नहीं, पता नहीं जी हुण तां खत्म ही हो गया शायद मेरा दोबारा लगना है, नो, इमीडिएटली अपना दोबारा अप्लाई करो। केप्स कटा सकते हो कि भी जेकर रीज़न नहीं पता लग रहा, पता मेरा कोर्स सिलेक्शन भी ठीक है, मैं क्राइटीरिया भी मीट कर रहा, फिर पता नहीं क्यों मेरा वीज़ा नहीं लगा, मेरा शायद धक्का हो गया, उसके केप्स नोट कढ़ा सकते हो। केप्स नोट के सारिया चीज़ा क्लैरिटी के नाल क्लीयरली सामने आ जाती है, सो उदों केप्स नू अंडरस्टैंड करके दोबारा अप्लाई कर लो। रिफ्यूजल तो बाद इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाता मेरे को आ गलती हुई है, वो गलती सुधार के दोबारा एप्लीकेशन इमीडिएटली दर्ज करो। अगला इनटेक सितंबर का वै, सो सितंबर वास्ते हजे भी टाइम हैगा वै, दो तीन महीने पे है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी तो बथेरा टाइम हैगा वै। कॉलेजेस की डेडलाइन 10 जून 15 जून इस तरीके दे नाल डिफरेंट डिफरेंट हैगी है। सो एप्लीकेशन मैं तो यही कहांगा कि भी जिहड़े बंदे जित्तों कितों भी अप्लाई कर रहे सारे दे वीज़े लगन, वीज़ा जेकर रिजेक्ट हुंदा वै इमीडिएटली दोबारा अप्लाई कर लो। होर की है जी सर, हजे भी स्टूडेंट कन्फ्यूज ने आयल्स बैंड से पीटी दे स्कोर दे विच, की तुहानू लगदा है कि पीटी दे स्कोर दे नाल अगे जाया जा सकता है? ये बहुत वड्डी कन्फ्यूजन हैगी है कि भी आयल्स कीता मैं कैनेडा जा सकदा, पीटी कीता मैं कैनेडा नहीं जा सकदा, बिल्कुल गलत है। तुसी आयल्स कीता या पीटी कीता, कोई भी तुसी कीता, तुसी दोवां चों कोई भी टेस्ट दिता, तुसी कैनेडा वास्ते अप्लाई कर सकते हो। सो जिहड़े बंदे नूं जिन्नी कु समझ आ उस तरीके दे नाल उहने बोलना हुंदा है। हुण जेकर ऑप्शन ही किसी को नहीं हैगी कि जी पी टी दे जिहड़े कॉलेजेस या जिहड़ियां यूनिवर्सिटीज पी टी एक्सैप्ट कर रही उहदी ऑप्शन ही किसी एजेंट को नहीं हैगी, सो ऑफकोर्स उहनूं कीड़ा ही पाऊगा कि नहीं नहीं एक्सैप्टेबल नहींगी। सो मैं क्लीयरली कह रहा तुसी आयल्स कीता या पी टी कीता वा, तुसी उहदे अकॉर्डिंग अपना तुसी आयल्स कीता या तुसी पी टी कीता तुसी अपना केस अप्लाई कर सकते हो कैनेडा वास्ते। सो कोई भी उहदे च कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली इंग्लिश का टैसट है कि भी ये देखना है कि भी तुहाडे कोल इंग्लिश दे विच कितनी महारत हासिल हैगी है, तुहाडे बैंड्स किन्ने गए, तुहाडा स्कोर किन्ना पी टी दे विच, होर कुछ भी नहीं है। हाँ कोई टाइम सी अज तो एक दो समेस्टर पहले की गल करना जदों पी टी एक्सैप्टेबल ही नहीं होंदा, अज की डेट के पी टी हाईली एक्सैप्टेबल है। सो कोई भी समस्या वाली चीज़ नहीं है, तुसी पी टी कीता कैनेडा वास्ते अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, कोई कन्फ्यूजन कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिमें कि सर स्टूडेंट जो मई इनटेक जाना चाहते थे वो रह गए, पर उन्होंने कुछ ख्वाब से कि मैं एक कोर्स से जाना चाहता वा, वो हम पूछते हैं साढ़े को आके कि यार सितंबर इनटेक के दूजा उही कोर्स ले सकते हैं, इज इट पॉसीबल कि सानू सेम कोर्स मिल जाए या सितंबर के कोई होर कोर्सिस होंगे ने जिदा आई टी काफ़ी कैटेगरी। सितंबर कैनेडा का बहुत वड्डा मैं कहूँगा सब तो वड्डा प्लेटफॉर्म जिते सारे कोर्सिस अवेलेबल है। जनवरी एंड मई का जो इनटेक है उसके बड़े लिमिटेड कोर्सिस अवेलेबल होंगे ने, जिहड़े स्टूडेंट्स मई के नहीं कर पाए सितंबर के करो, हुण 15 जून ऑनवर्ड्स जनवरी के भी दाखले शुरू हो जाने हैं। सो जिहड़े स्टूडेंट्स हुण एरकी सितंबर के भी अपना नहीं कर पाए है, मतलब अपना मनपसंद कोर्स नहीं मिल पाया, जेकर वो जनवरी के अवेलेबल है इमीडिएटली अपनी ऑफर लैटर वास्ते अप्लाई कर दे। सर देखा जाता कि एजेंट स्टिल विदाउट आइल्स प्रमोट कर रहे हैं, ये किन्ना क सही है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स कोई नहीं है, तुहाडे 80% इंग्लिश दे विच नंबर हैगे ने, तुहाडी परसेंटेज वधिया, तुहाडे सब्जेक्ट मैडिकल नॉन मैडिकल कॉमर्स है, तुसी 80% नंबर है इंग्लिश दे विच, ओवरऑल तुहाडे 65-70-75% नंबर हैगे, तुसी यूनिवर्सिटी दे विच अप्लाई करन जांदे हो, उहनां दी रिक्वायरमेंट ही नहीं हैगी कि भी सानू आयल्स मंगदे ही नहीं हैगे। सो बेसिकली ये कि सिस्टम नू अब्यूज़ करने वाली गल है। जेकर मैं थोड़ा टाइम पिछे चले जावा यूके की गल करदा, यूके च भी इस सिस्टम नू अब्यूज़ किया जाता सी विदाउट आयल्स कह के, फिर न्यूजीलैंड दे विच बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया विदाउट आयल्स कह के, इहदे विच आस्ट्रेलिया दे विच भी इहनू अब्यूज़ किया गया। सो एंड की होया कि जिहड़े स्टूडेंट्स उत्थे गए भी सी वह भी खज्जल होए, एंड जिहड़े स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया उन्हां दीआं मैक्सीमम रिफ्यूजल्स आईआं। सो हजे कैनेडा दा कोई जिहड़े बंदे इहदा वो प्रमोट कर रहे विदाउट आयल, सो दैट मीनस वो बेचारे को केस उदा नहीं कट्ठे हो पा रहे, जिस करके लोगों को लालच दे करके विदाउट आयल्स का नाम दे करके केस कट्ठे करन दी वो होड़ दे विच है। बट एक्चुअल च क्राइटीरिया की है, रियालिटी की है, रियालिटी है कि भी यूनिवर्सिटीज़ है वो कहती है कि 70-80% नंबर इंग्लिश हैगे है, ओवरऑल इन्ने परसेंट हैगे है, अकैडमिक सब्जेक्ट जिहड़े मैडिकल नॉन मैडिकल कॉमर्स ये तीन हैगे है, तिना चो कोई भी हैगा तो तुसी अपना अप्लाई कर सकते हो, वो आयल्स बारे पुछणगे भी नहीं। हाँ तुहाडे नंबर हैगे जी 50% इंग्लिश दे विच, ओवरऑल तुहाडे हैगे जी 55% या 60% ते ऑफकोर्स तुसी किसे कॉलेज दे विच जनरल कैटेगरी दे विच अप्लाई करना, वो कॉलेज दे विच जेकर 100 LOA इशू हो भी गए 5-7 वीज़े लग जाएंगे, बाकी तो रिफ्यूज़ ही होने गए। सो जेकर तुहाडी परसेंटेज वधिया
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਇਲਸ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਡੇਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਇਲਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਜਾਊਗਾ? ਆਫਰ ਲੈਟਰ LOA ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਦਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ LOA ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 15 June ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਦਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਟਿਲ 15 June, 15 June ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ, 15 June ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ IT 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ PhD ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ PhD ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਔਨਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਗਾਈਡ ਟੋਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ PhD ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਫੀਸਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PhD ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਲੋਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ 6-6, 7-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਚੱਕੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਊਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਫਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈਦਾ, ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆ, ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ
दूसरा वे ऑफ वर्किंग है कि भी जो अपने को है अपना पाथ आप बनाओ, फोकस रहो, स्टे फोकस एंड स्टे पॉजिटिव, कि भी पहले डिसीजन जो लेना सोच समझ के लेना, जो डिसीजन ले लिया फिर उसे खड़े रहना कि भाई हूँ जो मर्जी है दिस इज़ माई डिसीजन एंड मैनू पता कि यार डिसीजन ठीक है एंड एरा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। हो सकता है कि भी जरा भी डिसीजन लेता है कभी उस तरीके के रिजल्ट ना मिलन जिस तरीके से सोच के डिसीजन लिता जाता है। सो उसे भी नैगेटिव होने की जरूरत नहीं है, दोबारा फिर ट्राई करो, बिकॉज एक कहावत भी है ट्राई ट्राई अगेन यू मस्ट सक्सीड। सो मैं सारे ने कहूँगा किसी के भी कोई भी सवाल है अपने कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भी मैं आह सवाल है, मेरा पर्टिकुलर ये सवाल है, इस चीज़ का जवाब दिता जाए। नैक्सट टाइम जो असी दोबारा शूट करांगे, जो दोबारा तो सारे के रूबरू होवांगे, आई ट्राई टू एड्रैस ऑल द क्वेश्चनस। अज समा भी ज़्यादा इजाजत नहीं दे रहा, ठीक है। सो अज मेरा ख्याल है जिहड़ी टीम ने क्वेश्चनस पूछे ने सारे लिए वैल्यूएबल होंगे, जिहड़े मेरे आंसर्स आए हैं एंड हो सकता है कि भी मैं कोई चीज़ का फर्क पा सकता हाँ कि भी वैल्यूएबल जिहड़े भी सवाल मेरी टीम ने पूछे, हो सकता है कि भी मेरे वालों जिहड़े जवाब दिए गए हैं वो चीज़ों के जवाब जवाबों के नाल तुहाडा अगे जिंदगी जिहड़ी है डिसीजन जिहड़े तुसीं बाहर जाण दे लै रहे हो उन्हां दे विच कुछ सुधार आ सके, कुछ फर्क पै सके। थैंक यू वेरी मच। सो मैं उम्मीद करदा कि भी तुहानू सारिआं नूं ये जिहड़े मेरे सवालों के जवाब ने जिहड़े मैं दिते ने कि ये वैल्यूएबल रहे होणगे। जेकर तुहानू ये पसंद आए हो इहनूं वध तों वध शेयर करो, कोई कमेंट्स है कोई चीज़ तुसीं कहिंदे हो कि भी असीं उहनूं करैक्ट करिए या अगली वारी जदों तुहाडे सारे दे रूबरू होईए तुहाडे कुछ सवाल होणगे उहदे वास्ते कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करो एंड पसंद आया होवे तो वध लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल।